हेलो, अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल। आज का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ और आज है 11वां रोज़ा और हमें डेली व्लॉग शूट करना था, तो हम आज शूट ही नहीं कर पाए क्योंकि सब थक गए थे कल और अभी रात हो रही है। तो इफ्रा बाजी अपना ऑफिस का काम भी कर रही थी दिन में, उनको टाइम भी नहीं मिला, उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही है और पीछे सारी फैली हुई है पूरी टेबल, और वो देखो दवाई भी नहीं खाई उन्होंने, अभी उनकी हालत बहुत डाउन हो रही है। और मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने, और जो अलीजा अप्पी लेकर आई थी ना बटर जैम शीरमाल, तो थैंक यू अलीजा अप्पी आप लेकर आई थी। और चलो हम व्लॉग शूट करते हैं आज का। गली बना रही हूँ चाय, मैं इसके साथ ही खाऊंगी बटर जैम शीरमाल। मैं दवाई देती हूँ सब अच्छी को, ये और पानी, दवाई खा के एक्टिव हो जाओ। तुम्हें व्लॉग बनाना है, मुझे आते नहीं है, लेकिन आज मैंने शूट किया है। हमें दिन में करना था, पता है 1:30 बज रहा है अभी, हमने रात में शूट करा है। सहरी का व्लॉग बनेगा शायद, दवाई खा लो। ऑफिस में होगा मुझसे शायद, मैं चाहती नहीं लीव लेना, मेरी ईद की लीव लगी है बहुत सारी। तो मम्मी बना रही है जर्दा, एंड बहुत लोगों को पता होगा जर्दा क्या होता है, और साथ बना रही है कीमे की कचौड़ी। तो यहाँ पे वो उसका अंदर का मैटर तैयार कर रही है, एंड यहाँ पे उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी सारी कचौड़ी ऑलरेडी बन चुकी थी। साथ ही साथ उन्होंने छोले भी बनाए, काबुली चने, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैं थोड़ी सी आज जान आ गई है मुझ में, सो मैं ये टाइम देख रही थी, 6:45 पे था आज। वेलकम एवरीवन, सो आई एम बैक आफ्टर 4 डेज एंड 4 दिन बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ, 5 दिखा रही हूँ, 4, एंड क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो मंडे से थर्सडे हो गया आज, तो आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ऑल्दो अभी मेरा सर भारी हो रहा है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा था और फीवर वगैरह हो रहा था, तो मैं इसलिए 4 दिन से गायब थी। तो व्लॉग स्टार्ट भी हुआ था मंडे को बट वो कम्प्लीट हो नहीं पाया था, तो मैंने सोचा लेट्स कंटिन्यू। एंड अभी मैं नीचे उतर रही हूँ, थोड़े से काम बचे हैं, बचे ही रहता है हमेशा, काम कभी खत्म नहीं होते, मतलब मार्केट के 2-3 काम है तो मैं वो सोच रही हूँ कर लूँ, क्योंकि बैठे बैठे 12-13 घंटे ना मेरी कमर फट रही है अभी, और साथ में पेट दर्द हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, मतलब ऑब्वियसली आप इतना टाइम बैठे रहोगे और चलोगे फिरोगे नहीं, तो इसलिए मैं सोचा मार्केट का एक चक्कर लगा लेती हूँ। एंड कल मैं जाना था वो जाम मस्जिद, बट पुष्पा अमृत और मैं, और सोचा अलीजा को बुला लेंगे, पर कल इफ्तार है मेरा फिजा के यहाँ, तो फिजा हैव इन्वाइटेड मी एंड शायद, तो हम लोग जाएंगे इफ्तार में, तो कल तो चलेंगे बाद में, लेकिन अभी मार्केट चल लेते हैं। और का तो नहीं पसंद आया। मैं अभी मेकअप रील बना रही थी, तो उसके लिए मैंने ये सारा मेकअप किया है। एंड मैंने बड़ी प्यारी सी प्रिटी सी फ्लेयर्ड कुर्ती पहनी है, फ्रॉक सूट, तो ये हमने शायद मिंत्रा से लिया था या अजियो से, ये मेरा नहीं है, मम्मी का है, मैं मम्मी के कपड़े पहन के आजकल रील्स का काम करती हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े मुझे मिलते नहीं है, और मेरे पास जो है मैं 50% पहन चुकी हूँ वो सारे, बाकी सिले नहीं है, तो ये मिरर भी उठा के यहाँ से पीछे रख दिया, और मेरा बेड देखोगे हाँ पूरा फैल गया है, ये देखो सारा फैला पड़ा है। तो अभी मुझे इस वाले सूट की भी रील बनानी है, पर अब मैं कल बनाऊँ। बहुत ही प्यारा सा मेकअप टर्न आउट हुआ है, वैसे मुझे इस सूट के ऊपर भी मेकअप रील बनानी थी, मेकअप वीडियो, पर वो मैं अब थक गई हूँ, मेरी आंखें दुख रही है, तो मैं ये कल बनाऊंगी या देखती हूँ बाद में, मैंने इसकी ज्वेलरी वगैरह भी निकाल के रखी थी,
सो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये मेकअप कैसा लग रहा है, और अगर आपको वो शॉर्ट देखना है तो मैं अपलोड कर दूंगी। सो ये सब करने में मेरे को ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा लग गया था, क्योंकि मैंने मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े सभी ऑलमोस्ट बाहर निकाल लिया था, और वापस उनको पैक करके रखने में, वापस अपनी जगह में इतना देर लगी जाती है इतनी ज़्यादा। सो सहरी का टाइम ही हो गया था ऑलमोस्ट, तो मैंने सोचा कि मैं बेडशीट अभी चेंज कर दूँगी, कौन जोहर के टाइम तक रुकेगा। तो मैंने सुबह 4:30 बजे ही सब कुछ चेंज करा, सफाई करी रूम की, एंड इतने में सहरी करी और फिर मैं सो गई थी। बहुत थकी हुई थी इस टाइम तक मैं, और अब बच चुके हैं दोपहर के 1, एंड मैंने अपने लिए सूट निकाला है जो कि मम्मी ने बनाया था कल ही, एक दिन पहले ही, और इसमें प्यारी प्यारी लेस लगी हुई है पिंक कलर की, वही सब मैं ही खरीद के लाई थी, एंड इसका वाइट दुपट्टा शिफॉन का, और मैं अब ये पहनूंगी। सो जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद ही मेरा फेसिस कैनेडा का पार्सल आया था, तो इसमें से ये ब्लश आया है। अभी 2 चीज़ें रह गई थी, एक पीच शेड में ब्लश, आई लाइनर और आईब्रो पेंसिल। लाइनर बहुत ही अमेजिंग है, और ये ब्रशेज दे आर सुपर अमेजिंग, बहुत सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं इनके। नाटक देखें कि नाटक, नमाज पढ़ने बैठती हूँ एक शैतान कितनी करने लगते हैं आके, तो देख उसे भी यहीं बैठना, यहीं बैठना मुझ, अच्छा कैची कैची करवा दूंगा अभी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं राजी की छोटी बहन। खैर आज है 3रा जुमा रमजान का, जुमा मुबारक, जुमा मुबारक। और आज मैंने नए कपड़े पहने, इफ्राजी ने भी नए कपड़े पहने हैं, हम वैसे रमजान में ज्यादातर नए कपड़े पहनते हैं। इफ्राबाजी पढ़ रही है कुरान शरीफ, और मुझे जाना है दावत में, क्योंकि मेरी दोस्त के यहाँ पे इफ्तार की दावत है, और मैं इफ्राजी को दिखाती हूँ उनके होठ पे ना रोजे रखने की वजह से ड्राई हो गया है, तो वो फट गया है, और मेरे भी यहाँ पे ऐसे छाला से ये हो रहा है। मैं दिखाती हूँ कुरान शरीफ पढ़ी है, ये कुरान शरीफ पढ़ी है अपने, अभी तो कम हो गया खून है ना, कितना ज्यादा निकल रहा था, रेड रेड था ना। 3 लोग इफ्तारी करेंगे बस। ये फिरोजी का नया सूट नहीं, अभी मैंने सलवार चेंज करनी है, मतलब कुर्ता तो अच्छा लग रहा है ना। ये मेरे कपड़े हैं, अम्मी ने सिया, बहुत अच्छा दुपट्टा है ना, ये दुपट्टा तो अभी इसका ना मिला नहीं मुझे, तो ये मैंने स्टॉल जैसी तू क्या गेस्ट अपीयरेंस देने आती है मेरे व्लॉग में, आएगी एक जरा से, मैं इतनी देर के लिए आई और चली जाएगी। मैं हीरोइन हूँ, मुझसे बोलनी है मेरी ऊपर वो पूछ के कहनी है तेरा कोई बैलेंस तो नहीं रहेगा, बहुत पिटेगी तू, मैं बाथरूम में मुंह धो रही हूँ अपना। उबर उबर, हाँ मेरे को उबर मुंह इतना बड़ा आ रहा तेरा, मेरे को उबर बुक करनी थी ना यार, मैं बोल ही पा रही हूँ, खून निकल रहा बोलते। एंड सिंस मेरा मिनी व्लॉग चल रहा था, तो मैंने उसके लिए अम्मी से 2 क्लिप बनाई, तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों बना दी, और इसमें मेरा ये प्यारा सा सूट पटियाला सलवार पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आई एम ऑल सेट टू गो, और मैंने सब सामान भी रख लिया जो लेके जाना था, और बस मैं निकल रही हूँ, मैंने उबर कर लिया, कैब कर लिया, क्योंकि गाड़ी की चाबी तो नहीं मिली, पापा के पास है गाड़ी, कुछ काम वाम करा रहे हैं उसमें। और मुझे ये सूट बहुत प्यारा लग रहा है, मैं थोड़े दिन पहले ये फैब्रिक लाई थी, फिर अम्मी से स्टिच कराया, इसकी स्लीव्स वगैरह बहुत प्यारी लग रही है। पहले मुझे 2 मिनट दिखा रहा था, फिर 3 मिनट, अब 8 मिनट, और ऐसे ही करते रहते 15 मिनट हो गए, और वेट करते करते और 15 मिनट निकल गए, और कैब वाला आ ही नहीं रहा भाई, इतनी देर हो गई। फाइनली वो आया, और इतनी तगड़ी धूप थी बाहर, बहुत तेज़ धूप, बहुत गर्मी, एंड बस मैं 5 मिनट में पहुंचने वाली हूँ फिज़ा के घर, ये लो मैं पहुंच ही गई। एंड जब मैं फिज़ा के घर पहुंची तो शायद ऑलरेडी वहाँ आ गई थी, एंड किचन में बन रहे हैं छोले और बाकी सारी इफ्तारी, और ये बन रहे वड़े पाव का, वड़ा पाव का वड़ा, और बहुत ही लजीज था ये खाने में, हैट्स ऑफ टू हर, बहुत अच्छा था खाने में। हाथ मत लगाओ मेरे फ्रूट्स को यार, मतलब मैंने बोला था पहले मैं एक काट के तुम्हें दिखाऊंगी मुझे कैसे फ्रूट्स कटे हुए पसंद है। अच्छा ठीक है, मैं काट, हम लोग खाएंगे क्या और देखेंगे क्या यार, ये ज्यादा मस्त लग रहा है। ओह वाह, टू मच हो गया, ओवर फ्लडेड हो गया, ये बाहर निकलने को हो रहे हैं, कोई नहीं सब खाए जाएंगे। एंड यहाँ पे प्रिटी सा डेकोर भी कर रखा है, माशाल्लाह कितना प्यारा सा ये दस्तखान इधर सजाया, और ये लैंटर्न्स वगैरह, और यहाँ पे इफ्तार सारा लगा दिया है, यहाँ तमन्ना है, शाय है, और फिज़ा भी किचन में, और ये कस्टर्ड पकौड़े, बहुत कुछ है खाने को। और फिर मैंग भाई का भी कॉल आ गया था बीच में, तो शाय उनसे बात करी थी, एंड आई लव दीज लैंटर्न्स। सच में गर्म है, तीखा है मायरा बेटा, ये देख लेना तीखा है। अच्छा ये मिर्ची वाली से खा रही हो क्या गर्म में? लो
तुम भी खा ली? चलो मेरे को करके आओ, पहले जाओ। मैं ये चटनी ना ना पकौड़े नहीं खाती, बनाती नहीं। अभी बाय मेरे घर में भी अभी बाय बाजी ही देखती रहोगी आप। मुझे वो देखो। तुम्हें कैसी लगी मेरी एडिटिंग स्किल्स? कैसी लगी? बहुत बढ़िया। मेरे पास आ जाया करो, एक घंटे के लिए बाजी मेरी वीडियोस एडिट कर दिया करो। ठीक है बाजी, मैं जा रही हूं। क्या हो गई? मैं पहले वाले फोन में कर लेती थी, इसलिए मेरे को चीजें नहीं समझ आ रही यार। एक तो लाइफ का पहला महंगा फोन, बाजी का महंगा फोन मेरे भाई ने दिलाया है। चलो मैं जा रही हूँ, इजाजत चाहती हूँ। शायद थोड़ी देर चली गई, पैसे अपने जेब में रख लो, पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं। सो यार दैट वॉज इट फॉर द व्लॉग। मैं भूल गई थी एंड करना, मैं लास्ट व्लॉग भी भूल गई थी एंड करना। सो मैंने सोचा मैं एंड कर देती हूँ व्लॉग और आपको बता दूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हमें तो बहुत मजा आया था आज के पूरे दिन में, तो आई होप आपको भी मजा आया हो इसे देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।